हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसा कि दोस्तों, यह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी कि खेल मनोविज्ञान का 7वां वीडियो है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट का हो, TGT, PGT, KVS, NVS, CLT, राजस्थान, PTI, DSSB, तो इन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे वीडियोज हैं। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियोज मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे मैं चैप्टर वाइज MCQ का प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि रविंद्र द्वारा पियानो बजाना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? ठीक है, शाब्दिक सीखना कि गत्यात्मक सीखना कि समस्या समाधान? ठीक है, जैसा कि दोस्तों, सीखना 3 प्रकार का होता है। गत्यात्मक सीखना यानी कि मोटर लर्निंग, दूसरा शाब्दिक या वाचिक सीखना यानी कि वर्बल लर्निंग, और तीसरा समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, 3 प्रकार के सीखना होता है। जैसा कि जो गत्यात्मक सीखना होता है, मोटर लर्निंग होता है, इसमें क्रियाओं की स्वरूप और गति पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि साइकिल चलाना, गिटार बजाना। ठीक है, हम सदैव इससे अलग नहीं रह देख सकते, क्योंकि अन्य प्रकार के सीखने में भी इसका योगदान रहता है, गत्यात्मक सीखना का। और दूसरा प्रकार का जो होता है शाब्दिक या वाचिक सीखना, जिसे वर्बल लर्निंग कहते हैं, या पशु, जैसे कि दोस्तों पशुओं में मुख्य रूप से गत्यात्मक सीखना पाया जाता है और मनुष्यों में वाचिक अधिगम की अधिकता होती है। तो शाब्दिक यानी वर्बल लर्निंग में क्या होता है, इसमें संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों के माध्यम से सीखना होता है। इसमें सार्थक और निरर्थक दोनों ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एंड तीसरा होता है सीखने का प्रकार, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, यानी सीखने के प्रयोग को बहुत सी प्रतिक्रियाओं में से सही प्रतिक्रिया को चुनना होता है। इसमें प्रयोग, अभ्यास, प्रयत्न, भूल तथा अंतर्दृष्टि आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि रविंद्र द्वारा पियानो बजाना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है। तो यहाँ पे वो पियानो बजा रहा है, गति कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे मोटर लर्निंग होगा, यानी कि मोटर लर्निंग का मतलब गत्यात्मक सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर के प्रयोग में चिंपैंजी द्वारा केलों को प्राप्त करना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है आपका समस्या समाधान का। किसका उदाहरण है? समस्या समाधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित एक चित्र को देखता है और रंग समायोजन के बारे में सीखता है, यह किस प्रकार का सीखना है? जैसे कि दोस्तों, यह संकेतों, चित्र को देख रहा है, तो यह किस प्रकार का सीखना हुआ? यह वाचिक अधिगम हुआ। ठीक है, यह क्या हुआ? वाचिक अधिगम हुआ, यानी कि वर्बल लर्निंग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारु प्रशंसा पाने के लिए परीक्षा में जी जान लगाकर मेहनत करती है, वह किस प्रकार के अभिप्रेरक से प्रेरित है? ठीक है, वह किस प्रकार के अभिप्रेरक से प्रेरित है? तो यह दोस्तों अर्जित अभिप्रेरक है, क्योंकि क्या पाने के लिए? प्रशंसा पाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है, यानी वो अर्जित कर रही है, वो अर्जित करेगी उसको, इसलिए अर्जित अभिप्रेरक है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभिप्रेरणा जो है 2 प्रकार का होता है, एक जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात जो हमारे जन्म से विद्यमान रहता है, जैसे भूख, प्यास, ठीक है, ये सब आदि, और अर्जित जो हम बाद में अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु भूख लगने पर अपने बच्चों तक को मारकर खा जाता है, वह समानता किस प्रकार के प्रेरक से संबंधित है? ठीक है, एक पशु जो है अपने बच्चों तक को मारकर खा जाता है, जैसा कि दोस्तों पशु का स्वभाव ही होता है कि भूख लगने पर वह किसी जानवर को मारकर खाता है, तो बच्चों को मारकर खा गया, यानी कि यह जन्मजात प्रक्रिया है, यानी एक जैविक अभिप्रेरक है। क्या है? यह जैविक अभिप्रेरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना परीक्षा में आने वाले पाठ को विश्राम लेकर सीखती है, रीना ने सीखने की किस विधि का प्रयोग किया? विश्राम ले लेकर सीखती है, तो किस विधि का प्रयोग किया रीना ने दोस्तों? विश्राम ले लेकर यानी कि विराम देकर। ठीक है, यानी कि विराम विधि का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ या विषय को
टुकड़ों में बांटकर सीखने में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो किसी भी पाठ को या किसी भी सब्जेक्ट को टुकड़ों में बांटकर सीखना, ठीक है, तो क्या होता है? अंश विधि। क्या होता है? अंश विधि या पार्ट विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोनिस जनरल टेस्ट उपकरण किस कार्य में प्रयोग होता है? विस्कोनिस जनरल टेस्ट उपकरण किस कार्य में प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग होता है अभिगमन प्रवृत्ति को मापने के लिए। किसके लिए? अभिगमन प्रवृत्ति को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वर्तमान कार्य को करते समय पहले से सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक स्थानांतरण। इसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक स्थानांतरण, ठीक है। जैसा कि दोस्तों सीखने का स्थानांतरण जो है तीन प्रकार का होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, दूसरा ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा शून्यात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण यानी कि दोस्तों यह जानिए कि सीखने का स्थानांतरण होता क्या है, यानी कि जब किसी विषय या कार्य या अथवा परिस्थिति में सीखी गई बातों का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में सहायता करे या तो बाधा उत्पन्न करे, इसी को हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। यानी फिजिकल एजुकेशन में कहें तो कार्यात्मक व्यवहार अर्जन से आदतों ज्ञान कौशल का नए कार्य में प्रयोग करना सीखने का स्थानांतरण है। या तीन प्रकार का है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण में क्या होता है कि जब पूर्व का ज्ञान नवीन कार्य करने में या नवीन कार्य को ज्ञान अर्जन में सहायता करे, सहायक हो, उसे हम धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि टेनिस खेलने का एक्सपीरियंस जो है, ज्ञान जो है, वो बैडमिंटन में काम आए। और दूसरा होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, जब पूर्व का ज्ञान नवीन प्रकार के ज्ञान के अर्जन में बाधा उत्पन्न हो करे या बाधक हो, तो उसे हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि साइकिल चलाने का नाव में, ठीक है, वो बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। अतिशय होता है शून्यात्मक स्थानांतरण, यानी कि जब पूर्व का अनुभव या ज्ञान नवीन प्रकार के ज्ञान के अर्जन में न सहायता करे और न बाधक हो, तो उसे हम शून्यात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जब वर्तमान कार्य को करते समय पहले से सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा पड़ती है तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी शिक्षण वक्र रेखा जो यह दर्शाती है कि प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति तीव्र गति होती है परंतु बाद के प्रयासों में यह गति धीमी हो जाती है, इस प्रकार के शिक्षण को कहते हैं। यानी क्वेश्चन कह क्या रहा है कि प्रारंभ के प्रयासों में कोई चीज आप सीख रहे हैं तो प्रारंभ में आपकी सीखने की गति जो है तीव्र है, बट कुछ समय बाद के प्रयासों में यह गति धीमी हो जाती है, तो इस शिक्षण को हम क्या कहते हैं? इस शिक्षण को हम धनात्मक शिक्षण वक्र कहेंगे कि ऋणात्मक शिक्षण वक्र कहेंगे कि समान निष्पादन वक्र कहेंगे कि एस आकारी वक्र कहेंगे। तो पहले आपकी सीखने की गति तीव्र है बट बाद में यह धीमी हो जा रही है, तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक शिक्षण वक्र। इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक शिक्षण वक्र, ठीक है, ऋणात्मक शिक्षक वक्र। जैसा कि दोस्तों सीखने का वक्र जो है वह तीन प्रकार का होता है, ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र, धनात्मक प्रगति सूचक वक्र एंड मिश्रित वक्र। जो ऋणात्मक वक्र होता है उसमें आरंभ में सीखने की संबंधित जो गति होती है वो तो तीव्र होती है बट बाद में गति मंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सीखने की परिस्थितियां जो है जहाँ कार्य आसान हो या पहले का अनुभव हो वहां इस प्रकार का वक्र बनते हैं ऋणात्मक, यानी पहले तीव्र गति से सीखते हैं और बाद में धीमी हो जाती है। और दूसरा होता है धनात्मक प्रगति सूचक वक्र, ठीक है, धनात्मक प्रगति सूचक वक्र। इसमें क्या होता है कि आरंभ में आप मंद गति से सीखते हैं और बाद में आपकी सीखने की गति तीव्र हो जाती है, यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे सीखने वाले व्यक्ति की सीखने की प्रगति बढ़ती जाती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभ्यास और प्रशिक्षक के द्वारा वृद्धि हो रही है। तीसरा होता है मिश्रित वक्र यानी कॉम्बिनेशन कर्व,
जो मिश्रित वक्र होता है, इसे सी टाइप, लेकिन सी टाइप का होता है, लेकिन ये देखने में यश जैसा दिखता है, इसे इसलिए इसको सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे यश वक्र भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है मिश्रित वक्र में कि वक्र प्रारंभ में सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव, सीखे जाने वाले क्रिया, सीखने संबंधी वातावरण की प्रकृति के आधार पर घटता बढ़ता रहता है, किसी भी प्रकार का शक्ल ले सकता है। ठीक है, इसलिए इसको मिश्रित वक्र बोला जाता है। ठीक है, एक प्रकार का होता है दोस्तों प्लेटू, यानी पठार, आगे चल के सीखेंगे इसमें। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शिक्षण वक्र कोई उतार या चढ़ाव नहीं होता तो ऐसी अवस्था कहलाती है, यानी जब शिक्षण वक्र में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता तो ऐसी अवस्था को हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। जैसे कि दोस्तों सीखने में पठार होता क्या है? प्लेटू, जिसे प्लेटू या पठार बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने की कोई प्रगति नहीं होती है। ठीक है, जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती और कुछ समय के लिए रुका हुआ सा दिखाई देता है, यानी वक्र की रेखा नीचे या ऊपर न जा करके सीधे चलने लगती है, एकदम सपाट हो जाती है। ठीक है, तो कोई दोस्तों ऐसा समय आता है कि जब आपके सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है, ठीक है, रुका हुआ सा दिखाई देता है, तो इसी को हम कहते हैं सीखने में पठार या प्लेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विषय को जब छोटे छोटे कदमों में बांटकर व्यक्ति को इस प्रकार सिखाया जाता है कि वह अपना मूल्यांकन भी स्वयं कर सके, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कार्यक्रमिक सीखना कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्यक्रमिक सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियमों में थार्नडाइक ने सबसे अधिक महत्व किसको दिया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के तीन मुख्य सीखने के नियम है, कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, जिसमें से इन्होंने प्रभाव के नियम को सबसे अधिक महत्व दिया है। ठीक है, जिसमें से इन्होंने प्रभाव के नियम को सबसे अधिक महत्व दिया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? पहले सीखी हुई परिभाषा है, पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं के चिन्हों को वर्तमान समय में व्यक्त करना या प्रदर्शित करना करने का अर्थ ही है स्मरण। यह कथन किसने कहा है? तो इसको कहा है हिलगार्ड तथा एटकिंसन। ठीक है, पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं के चिन्हों को वर्तमान समय में व्यक्त करना या प्रदर्शित करने का अर्थ ही है स्मरण, इस परिभाषा को कहा है हिलगार्ड तथा एटकिंसन। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।